हरियाणा कारी मां बंपर लगवाया है। बाकी कमेंट करके बताइयो बंपर कैसा लग रहा है। और इसकी भाई साइड में और दिखा दो आपने इसकी फिटिंग कैसे हो रही है। यह देख लो भाई इसकी फिटिंग प्रॉपर तरीके से भाई इसकी फिटिंग करवा रखी है। और कंपनी आपने दे भाई यह चार प्लेट, यह शायद कितने किलो की थी, 30-30 किलो की चार प्लेट दे रखी है। बट यार इसमें जैसे सुपर सीडर कोई से बड़े इम्प्लीमेंट चलावें तो इसमें जरूरत पड़ा है। और यह लाइट देख लो। और बाकी आप कमेंट करके बताना ये बम्पर की फिटिंग कैसी हो रही है और ये बम्पर कैसा लगे आपने। और भाई आगे ये देख लो यहाँ ऊपर भी लाइट लगवा दी। तो ये दिखा दो भाई, एक तो इसके यहाँ बदलवा दिए ये ग्रिल सी और ये मैट यहाँ लगवा दी, स्क्रैच वक्स ना लाग गए। और तो बाकी सेम में है और ये लाइट लगवाई है, ये लाइट देख लो। और वह बत्ती भी लगवा दी भाई, रिव्यू म्यूजिक सिस्टम इससे पहले आपने वीडियो देखी थी। और इसके भाई पर रोडावेटर पर और उस पर आरोप है, मतलब कई वीडियो मैंने सुपर सीटर पर गेयर रखी हैं, मैं परफॉर्मेंस भी आप देख सको हो। तो ये पाछा तो देख लो, तो भाई स्टिकर भी लगवा दिया नो फार्मर नो फूड और ये महान का लगवा दिया। तो पीछे देख लो भाई कुछ ऐसा है। बाकी आपने इससे पहला वीडियो में भाई देखा भी होगा, और बाकी अगर ना देखा है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हो भाई। अब वेट है यू भी कंपनी फिटेड या वह है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया भी हफ्ते तो। एक यह फिटिंग देख लो, यह फिटिंग देखो उस दिन तो हमने बस नू टेम्परेरी कर दी थी, घर आए फिटिंग करी थी। अगर आपने भी अपने घर करनी हो फिटिंग, वीडियो भाई चैनल पे जाके देख सकते हो। ये देख लो भाई प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर रखी है, एमसी का बटन ला रखा है। तो इसका ओरन वगैरह भी मतलब काफ़ी छोटे मोटे एसेसरी चेंज करवा दी। और इसका जो अगली वीडियो बनाऊंगा भाई उसमें आता है जो हमारा लगभग 5-6 महीने का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, सारा शेयर करेंगे। क्योंकि हमने एक सीजन भाई जो अपना गेहूँ का था इस तरह यूज़ करके देख लिया, एवरेज वगैरह सब कुछ बताऊंगे।